प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने जिला अस्पताल गोरखपुर में ब्लड डोनेशन कैंप का फीता काटकर शुभारंभ किया। रक्तदान करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ फोटो भी खिंचवाई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने गोरखपुर में जिला अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लेकर रक्तदान भी किया। ग्रामीण राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने रक्तदान करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ फोटो भी खिंचवाया और मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय ग्रामीण मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बांसगांव संसदीय क्षेत्र की तरफ से और गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उनके 74वें जन्मदिन के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान किए। कमलेश पासवान ने कहा कि मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि रक्तदान करना ही बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। हम लोग नेता होने के नाते खुद अस्पतालों में सिफारिश करते हैं कि गरीब और असहाय लोगों को और मरीजों के परिजनों को ब्लड डोनेट किया जाए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर युवा मोर्चा के द्वारा एक बेहद अच्छा काम किया गया। आज सुबह से मंदिर, मस्जिद, सड़क, अस्पताल और हर जगह स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर बांसगांव संसदीय क्षेत्र की तरफ से, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज उनके 74वें जन्मदिन के अवसर पर हमारे युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप जो जिले के अध्यक्ष नीरज दुबे जी के नेतृत्व में और उनके तमाम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया सदर अस्पताल में, मैं उन सभी लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो प्रेरणा का काम इन लोगों ने किया, युवा मोर्चा ने, और ब्लड डोनेशन कैंप एक बड़ा पुनीत कार्य है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम खुद नेता होने के नाते हम लोग हमेशा अस्पतालों में सिफारिश करते हैं किसी गरीब असहाय लोगों को कि उनको ब्लड दे दिया जाए, जो गरीब होते हैं, जिनके पास अटेंडेंट नहीं होते हैं। तो ये आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये एक पुनीत और बड़ा काम हमारे युवा मोर्चा की टीम ने किया, इसके लिए मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। आज हम सब लोगों के लिए भी पूरे देश के लिए गौरव का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सुबह से ही हर जगह, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, हर जगह एक स्वच्छता अभियान करके हम लोग कई कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।